नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। सियासी पारा लगातार ऊपर, और जैसे जैसे फर्स्ट फेज की पोलिंग का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे वार पलटवार भी तेज होता जा रहा है। और आप जानते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जहां तक फर्स्ट फेज की पोलिंग का सवाल है। उससे पहले हर दल दिग्गजों के माध्यम से अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया, उन्होंने एक रोड शो किया, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों के साथ वहां पर दिखाई दी। और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है आपदा में और जिनकी संपत्ति बर्बाद हुई है उसे लेकर उन्हें दुख है। और साथ ही उन्होंने वायनाड की जनता से कहा उनके लिए वायनाड से सांसद होना गौरव की बात है, वो प्राउड फील करते हैं। आपको यहां पर बता दें, एनी राजा के तौर पर लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट राहुल गांधी के खिलाफ उतारा है, और नामांकन दाखिल करने से पहले एनी राजा ने निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो किया। तो दोनों ही कैंडिडेट्स अपना शक्ति प्रदर्शन करने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने नागपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उनका नॉमिनेशन जब हुआ तो देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद रहे। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी प्रचार में जुटी हुई हैं। सारण में उन्होंने रोड शो किया और कहा कि ऐसा प्यार मेरे माता पिता भाई को मिला है, जैसा प्यार वैसा ही प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और उन्होंने ये कहा कि वो सारण की जनता की सेवा करती रहेंगी। अब आपके लिए जानने वाली बात यह है कि यहां पर रोहिणी आचार्य का मुकाबला है राजीव प्रताप रूडी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से हैं। और कुल मिलाकर अगर आप आज की तस्वीर को समझना चाहें तो हर पार्टी के दिग्गज की कोशिश यही है कि वो शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से एक परसेप्शन अपने फेवर में क्रिएट करने की कोशिश करें। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ एक घंटे तक का लंबा रोड शो किया। इस दौरान राहुल का एक अलग ही अंदाज नजर आया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। वायनाड सीट से राहुल के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही। एनी राजा ने भी रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट से बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दूसरे फेज में वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस तारीख को 13 राज्यों के कुल 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी परंपरागत सीट यूपी की अमेठी लोकसभा और वायनाड से चुनाव लड़ा। उन्हें अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। यहां बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें शिकस्त दी थी। हालांकि राहुल ने वायनाड में जीत हासिल की। All the people of Wayanad, regardless of whether you are from the UDF or from the LDF, I have a relationship with you. You are all my family members. We might disagree on our ideology, but we agree that we have a tremendous relationship with each other. लगातार दो बार नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नागपुर में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। नागपुर में नितिन गडकरी ने एक रोड शो किया जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। रोड शो में नागपुर के बीजेपी समर्थकों ने नितिन गडकरी और फडणवीस पर जमकर फूल और रंग बरसा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने सीट से नागपुर पश्चिम के विधायक विकास ठाकरे को मैदान में उतारा है। गडकरी 2014 और 2019 में दो बार नागपुर से जीत हासिल कर चुके हैं। जनता का उत्स्फूर्त प्रेम है, उत्साह के साथ स्वागत हो रहा है। मैंने कभी जातिवाद और सांप्रदायिक की राजनीति की नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि नागपुर मेरा है और मैं नागपुर को अपना परिवार मानता हूं। वहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनाव प्रचार में जुट गई। सारण में उन्होंने भव्य रोड शो किया। इस दौरान उन पर फूलों की बारिश की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा प्यार मेरे पिता माता भाई को मिला है, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं इनका ऋण नहीं चुका सकती। मैं मरते दम तक सारण की जनता की सेवा करूंगी। इतना प्यार मिल रहा है जैसे कि मैं मायके आई हूँ अपने।
तो सारण का ये प्यार, ये आशीर्वाद जैसे मेरे पिताजी को मिलता था, वैसे ही मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया। चुनावी मैदान में चाहे बीजेपी के गडकरी हो या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी या फिर लालू की बेटी रोहिणी, सभी दिग्गज नेताओं ने जहां जीत के लिए हुंकार भरी है, तो वहीं रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन का दमखम दिखाने की कोशिश भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एसएन सिंह हमारे साथ हैं, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जीएम शाहीन जेडीयू के नेता हैं और पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह साहब। यहाँ पर अभी आप सुन रहे थे रोहिणी आचार्य सीधे तौर पर कह रही हैं कि जैसा आशीर्वाद मेरे पिता, माता पिता और मेरे भाइयों को मिला, वैसा ही आशीर्वाद मुझे भी मिल रहा है। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है जनता के बीच में जाना, अपनी बात को कहना। भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल में विकास का कार्य की है, आज उसको लेकर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज ही नहीं, वो जनता के बीच में विकास रथ लेकर गई थी कि देखिए हमने किसी के घर में उजाला दिया, किसी को उज्ज्वला किया, किसानों को सम्मान निधि दिया, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, झोपड़ी को हटाकर पक्के मकान बनाए, बॉर्डर पे सड़कों का निर्माण किया और विकसित भारत बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे गारंटियों को पूरा किया। जो सपना होता था वो सपना साकार हुआ। आज भव्य राम का मंदिर बना, 370 धारा परिवर्तित हुआ, 3 तलाक पर कानून आया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। इन सब चीजों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है। विपक्ष कैसे जा रहा? विपक्ष केवल ये जा रहा है मोदी जी को हटाओ। किस बात पे? इसलिए कि मोदी जी विकास के कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज जनता को अपना बनाने का कार्य किया। कोई जाति नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं। जब हम इस तरह का कार्य किए, जब सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, तो कुछ परिवारवादी पार्टी, जातवादी पार्टी जो धर्म और संप्रदाय के लिए कार्य करती है, उनको दर्द होने लगा। इस नाते कहा जा रहा है कि ये चुनाव परिवारवाद बनाम विकासवाद का है। चलिए ठीक है, परिवारवाद बनाम विकासवाद का चुनाव बता रहे हैं एसएन सिंह, सैयद जवाद इसे सुन रहा था एसएन सिंह सर को, और एसएन सिंह सर को मैं काफी वक्त से सुनता भी चला आ रहा हूं। लेकिन ये चुनाव जो है देश का भविष्य सुनिश्चित हो उसका चुनाव है, कैसे देश के अंदर दोबारा से लोकतंत्र मजबूत हो उसका चुनाव है। जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करा जा रहा है, जैसे जैसे आप देखेंगे कि लोगों की आवाज जो है वो दबाई जा रही है और लगातार जो है देश के संविधान पे हमला हो रहा है, उसको बचाने की लड़ाई है। देश का मुस्तकबिल कैसा होगा ये चुनाव डिसाइड करेगा, और ये चुनाव जो है एक नई तारीख लिखने जा रहा है। या तो बहुत ज्यादा खूबसूरत तारीख लिखी जाएगी या बहुत ज्यादा डार्क जो है वो तारीख लिखने जा रहा है। दोनों ही चीजें आदित्य, और मैं बार बार कहता हूं कि देश को जीरो डेमोक्रेसी की तरफ जो है जहां धकेला जा रहा है उसको भी बचाने का भी चुनाव है। जीरो डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें लोकतंत्र के चारों पिलर को खोखला करके उसके ऊपर अच्छे से पीओपी करके पेंट करके फोटो खिंचाने के लिए तो दिखाया जा सकता है कि देखो बहुत अच्छा लोकतंत्र का घर बना हुआ है, लेकिन जो उसकी बेस होती है, जो उसकी पिलर्स होते हैं, उसको कमजोर करके पीओपी करके पेंट करके अच्छा दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन उसके चारों पिलर खोखले कर दिए जाते हैं। उस तरफ धकेल करके कैसे लोकतंत्र मजबूत हो, कैसे आम जनमानस की आवाज मजबूत हो? अरे भाई, जीरो डेमोक्रेसी कैसे, ये सवाल है मेरा, जवाब दीजिए उस पे। क्या कह रही है? जीरो डेमोक्रेसी कैसे है, तब से पूछ रही हूँ, कैसे कैसे कैसे, सुनिए ना, जवाब दीजिए मुझे। आपके बोल देने से जीरो डेमोक्रेसी हो जाएगी, तो चुनाव जीरो डेमोक्रेसी में हो रहा है। आदित्य, जिस तरीके से अधिकारियों के ऊपर दबाव है, जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी एक तरफा कार्रवाई कर रही है, मीडिया के ऊपर एक अलग दबाव है, उसके बाद जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके ऊपर अलग दबाव है, तो उस तरफ मैं बात कर रहा हूं कि भारत को जीरो डेमोक्रेसी की तरफ धकेला जा रहा है और एक तरफा एक चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जैसा कि आप रूस के अंदर देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि देश के अंदर जो सही जवाब, बाकी तो मीडिया का मुझे पता नहीं, मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में बोल सकती हूँ, तो ऐसा कोई दबाव तो मैंने देखा या महसूस किया नहीं। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मेरी डिबेट देखी जाती है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। और दूसरी बात, आपने जो ये कहा ना दबाव बनाया जा रहा है, मुझे ये लगता है जब विचारधारा की लड़ाई की बात कोई करता है
तो उसे अपनी विचारधारा के लिए लड़ना भी आना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया नहीं, सुन लीजिए ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं कहूंगी, अगर किसी ने कुछ गलत किया नहीं तो एजेंसियों से उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये अक्सर दलील दे रहे हैं और आप जैसे और भी कई पैनलिस्ट आकर दलील देते हैं, अरे ईडी इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई इस्तेमाल करते हैं, तो जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो ईडी सीबीआई जिसको लाना वो आ जाए, मैंने तो गलत किया नहीं ना। हाँ, मुकाबला कर रहे हैं लोग उसका, और जो डर गया वो भारतीय जनता पार्टी के डर गया, जिनके ऊपर आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी लगाया करते तो उनको कैसे ले लिया अपनी पॉलिटिकल पार्टी में। अभी जिंदल को लिया है, जो कोला घोटाला का आरोपी माननीय प्रधानमंत्री जो भाजपा बताते नवीन जिंदल, वो कैसे ले लिया आप बताइए। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात अजीत दादा पवार को कैसे ले लिया, हेमंता विश्व शर्मा को कैसे ले लिया, तमाम ऐसे लोग हैं अभी कैसे ले लेते हैं भाई। चलिए जवाब लीजिए एस एन सिंह साहब, होगी ना, ठीक है जवाब लीजिए एस एन सिंह साहब। देखिए हमारे मित्र 25 ऐसे नेताओं की बात की जा रही है, एक मीडिया रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, 25 ऐसे नेता जिनके पाप धुल गए बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में आकर, ये उस राइटअप में कहा गया है। नहीं देखिए, भारत के ताने बाने में ऐसी व्यवस्था है, अदिति जी आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हम अपने मित्र को भी कहेंगे कि भारत के ताने जो जो सांस्कृतिक चीजें हैं और जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, संवैधानिक व्यवस्था भी बहुत सारी ऐसी है अदिति जी, कि अगर आपको लगता है कि संवैधानिक इस व्यवस्था से हमको आपत्ति है तो आप दूसरे जगह जा सकते हैं, तीसरे जगह जा सकते हैं। लेकिन अदिति जी हमारे मित्र ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा लोकतंत्र, निश्चित तौर पे लोकतंत्र अदिति जी उस समय जरूर खतरे में होता है जब आप देश के संसाधनों पे एकाधिकार बताते हैं, लोकतंत्र उस समय खतरे में हो जाता है जब इसी देश में रहने वाले मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ जिन्हें आप करप्ट बता रहे थे, सैयद जवाद का सवाल ये है, जिन्हें आप करप्ट बता रहे थे वो आज आपके साथ आ गए, एक रिपोर्ट छपी है, 25 नेता ऐसे जिन पर करप्शन का चार्ज आपने लगाया, आज वो पाक साफ हो गए, उनमें से 23 के पाक साफ होने की बात कही जा रही है। देखिए अब इनको लग रहा है कि ये कीचड़ अपने यहां रखे होंगे या इनका तालाब कीचड़ से ही भरा हुआ है, तो इनको लगना चाहिए राजनीतिक पार्टियों के कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप अलग होता है। मैं वही बता रहा था कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं, संवैधानिक संस्थाओं में बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर आपको लगता है कोई भी किसी के खिलाफ जांच प्रक्रिया जारी रहती है तब वो राजनीतिक पार्टियों के नाते नहीं बंद होती है। आप तो आरोप लगाते थे कि संजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद वापस आपको फ्लोर दे दूंगी। जल्दी से जीएम शाहीन, जो सवाल ये पूछ रहे थे वो सवाल, क्योंकि आप इनके साथ अलायंस में है, ये सवाल है कि आपका बड़ा भाई, अगर इन्हें कह लूं तो आपके जो लीडर हैं और आपके जो बड़ा भाई है, जो दल आपका बड़ा भाई और लीडर दल है इस एनडीए का, सैयद जवाद कह रहे हैं उसमें आते ही ये कैसे पवित्र हो जाते हैं, कौन सा डिटर्जेंट है? इनको सही जवाब देता हूँ। सुनिए, जो 42 लोगों का ये लिस्ट बता रहे हैं उनको कोर्ट ने फ्री कर दिया है, और जिनकी ये बात कर रहे हैं वो कौन लोग है? वो चोर है, वो बदमाश लोग है, डाकू लोग है। जो मेरे पास सैकड़ों ऐसे लीडर है देश के अंदर जो अपोजिशन में है, मैं उनकी मिसालें दे सकता हूं, लेकिन वो कांग्रेस में बैठे हैं, किसी और पार्टी में बैठे, तो क्या ईडी उनको परेशान करती है? ईडी उनके घर जाती है? लेकिन जो देश में चोरी करेगा, जो बदमाशी करेगा, जो जनता का पैसा खाएगा, उसको तो बख्शना नहीं जाना चाहिए। ये संविधान कहां से संविधान को बीच में ला रहे, तो संविधान का कहां से खतरा? ये क्या बातें क्या कर रहे हैं ये लोग भाई, न सोचते हैं न समझते हैं संविधान को बीच में, कहां से संविधान आ गया? जितने भी आपके लोगों को जिनको जेलों में भरा जा रहा है, जिनको पकड़ के लिया जा रहा है, उनके देखिए उनके भ्रष्टाचार के मामले कितने हैं। नहीं तो दलील ये दी जा रही है जिन्हें जेलों में भरा जा रहा है, सुनिए जीएम शाहीन, सुनिए मेरी बात, ये कह रहे हैं जिन्हें जेलों में भरा जा रहा है क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि वो आपके सामने बैक डाउन नहीं कर रहे इसलिए भरा जा रहा है, जो आपकी बात मान रहे हैं, जो बीजेपी में आ रहे हैं उन्हें आप नीचे, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद हो रही है, हो रहे हैं। जो भी 42 लोगों का अभी इन्होंने जिक्र किया वो लोग हैं जिनको कोर्ट ने बरी कर दिया, अब जिनको कोर्ट जुडिशरी लॉकअप में भेज रही है, तो ये क्या समझते हैं कि चोरी चोरों चकों को उनको भी खुलेआम छोड़ दिया जाए सड़कों के ऊपर?
ये देश को कहां लाना चाहते हैं? आज गरीब जो है, देश की जो गरीब जनता है, देखिए एनडीए में हमारी सरकार ने जो है गरीबों का काम किया। नहीं सर, आपकी सरकार ने गरीबों का काम किया ये आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो 25 नेता जिन पर आप कभी कहा जाता था चक्की पिसिंग पिसिंग, कभी कहा जाता था उन्हें लेकर कि वो कोल स्कैम के मास्टरमाइंड हैं, तरह तरह की बातें जिनके बारे में कही जाती थी, आज जब वो आपकी पार्टी में आए, मतलब आपके अलायंस की पार्टी में आए, आपके साथी दल की पार्टी में आए, तो पाक साफ हो गए। सवाल ये है, चलिए पीयूष मन से जवाब ले लीजिए, उसके बाद वापस फ्लोर दूंगी एस एन सिंह साहब, जल्दी जल्दी प्लीज। सवाल तो पूछिए सर, सवाल यही है ना, ये कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी है, आरोप लगना मामूली बात है, लगते हैं आरोप सब पर, ऐसे लोग कांग्रेस में भी बैठे हैं, ऐसे दूसरे दलों में भी बैठे हैं, यही डिस्कशन है सर। आई थॉट दैट यू आर लिसनिंग टू द डिस्कशन। नहीं देखिए, आरोप तो लगते हैं, आरोप लगते हैं, सवाल ये है कि आरोप में कितनी गहराई है और क्या वो क्या सिद्ध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है जो बात सामने आ रही है, वो सवाल ये है कि अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो फिर उसको आप अपनी पार्टी में कैसे ले सकते हैं? जब आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं और आप पूरी सभा में कहते हैं इस बात को, तो फिर आप उनको अपनी पार्टी में कैसे ले रहे हैं और उसके बाद कैसे उनके खिलाफ जो है कि जांच ढीली हो जाती है या क्लीन चिट मिल जाती है? सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, जो जिन्होंने गलत किया है उनके उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और वो बाकी कोर्ट में तय होगा कि वाकई कोई सबूत है कि नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि जो पार्टी या उसके नेता दूसरे पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते हैं, फिर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और उनको बड़े बड़े पदों से नवाज देते हैं और यहां तक कि कुछ केसेस में उनके खिलाफ जो जांच है उसको ढीला कर देते हैं या बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाती है। प्रफुल्ल पटेल का मामला अभी ताजा ताजा है, या फिर उनकी फाइलें बंद हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है आज, और डेमोक्रेसी का यही सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, जवाब दीजिए इस पे। अपने मतलब के लिए जो अगर अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको जेल में डालिए ना, आप अपनी पार्टी में लाके क्यों उसको उनको पदों से नवाजते हैं? अदिति जी, पीयूष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी बताती है कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, या शीला दीक्षित का 400 पेज का रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रही थी, उसी आम आदमी पार्टी को आप ले लेते हैं। जो लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस की ही सरकार में सजा याफ्ता हो जाते हैं, जेल में जाते हैं, कार्रवाई होती है, उनको लेकर घूमते हैं, तो देश जानना चाहता है कि क्यों आप ऐसा कार्य करते हैं। तीसरी बात, हमारे मित्र जवाब जी भी कहे तो ये भी जानना चाहता है कि तो पंसाब को मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र है, अगर आपको लगता है पंत साहब कि कोई गलत है तो संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग करिए, जाइए, निश्चित तौर पर कोर्ट न्याय देगी, न्यायालय न्याय देने के लिए बैठा है। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप को न्याय मानते हैं तो मैं आरोप लगा रहा हूं। उनका सवाल ये है, सवाल सुनिए, वो कह रहे हैं जिन नेताओं को लेकर आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता करप्शन, उन्हें करप्ट बता देते हैं, करप्शन के चार्ज की बात करते हैं, जब वो आपकी पार्टी में आते हैं, उन्होंने बकायदा प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया है, वो ये कह रहे हैं जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो पाक साफ कैसे हो जाते हैं, उनकी फाइलें बंद क्यों हो जाती हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन का जो शिकंजा है वो ढीला क्यों पड़ जाता है, रफ्तार जो है इन्वेस्टिगेशन की वो सुस्त क्यों हो जाती है, ये सवाल है उनका। अब पंत साहब को जानकारी नहीं है, महाराष्ट्र में जब इनकी मिली जुली सरकार रहती है तो वो उस फाइल को बंद करने का कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बंद करने का कार्य करती है। और मैं कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में, किसी को भी बता दीजिए न्यायालय की उसकी फाइलें बंद की गई है, नहीं बंद की गई है, आपको न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। उस समय मिलीजुली सरकार कांग्रेस की और शिवसेना की थी, आप लोगों के द्वारा फाइल किया गया और सीबीआई से उनको राहत मिली है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। यही समझदारी की बात है कि संस्थाएं स्वतंत्र हैं। कल तक मैं यही कह रहा था, कल तक संजय सिंह को ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार कर दिया, ये तो जानकारी रख लीजिए। बोलिए पीयूष जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात को इधर से उधर पलट रहे हैं। वो इस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार है?
दूसरी बात, सीबीआई किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंदर होती है, बंद हुआ है। आप चैनल पर बोले आज सरकार है, और अभी प्रफुल्ल पटेल उनके खिलाफ आज क्लोजर रिपोर्ट लगी है। अभी सीबीआई ने अदिति जी उनके खिलाफ आज क्लोजर रिपोर्ट लगी है कांग्रेस। अरे किसी के ऊपर गाड़ी सरकार की बात पूरी होने दीजिए ना, एसएन सिंह साहब बंद हुआ है और सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर में होती है। सर तो व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट? वो ये कह रहे हैं कि आपकी वहां पर जब कांग्रेस की सरकार थी तब केसेस खुले, हम इसमें कहीं नहीं थे, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, केसेस तो खुले, केसेस कहां कौन खोलेगा? केसेस तो मोदी जी ने जब कहा था, ये आपको याद करिए, प्रफुल्ल पटेल को लेके जब एयर इंडिया और का मामला था और के मर्जर का मामला हुआ, तो उस समय उन्होंने आरोप लगे थे लगातार, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बन के जो विपक्ष में थे उसके ये लगातार आरोप लगाया करते थे इस बात को लेके। तो ये तमाम आरोप थे और वही आरोप अब उनके उनके उनको क्लीन चिट अभी मिल जाती है। वो पार्टी में आते हैं, आप वो सरकार में चले आते हैं महाराष्ट्र में, पहले मिल जाती तो हम मानते कि हाँ भाई सीबीआई अपना काम कर रही थी। ठीक है, इसमें जवाब दीजिए एसएन सिंह साहब, 20 सेकंड्स है, ये कह रहे हैं अदिति जी पहले दे देते आपकी सरकार में आने के बाद क्यों क्लीन चिट मिली है? मैं दे रही हूँ सैयद जवाद आपको फ्लोर, लेकिन पहले एसएन सिंह का जवाब, ये इंपॉर्टेंट जवाब। अदिति जी बहुत 10 सेकंड में आप जवाद जी को दे दीजिएगा समय। अदिति जी मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे मित्र पंत साहब को ये लग रहा है कि कहीं कोई भारत सरकार के द्वारा गलती हो रही है, पार्टियों के नहीं सरकार के द्वारा, तो स्वतंत्र संस्थाएं भाई सुप्रीम कोर्ट है, आपको जाना चाहिए कोई चीज लेकर। लेकिन अगर कोई चीज नहीं रहेगा और राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के नाते गिरफ्तार कर लेंगे, तो मैं आप पे लगाता हूं कि आप कांग्रेस से मिले हुए हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस पे आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियों के कहने से गिरफ्तारी नहीं होती, कोई भी स्वतंत्र संस्था जो जांच करती है और सबूत के आधार पर करती है, सबूत अगर आपके पास ठोस है, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की मदद कर रही है, तो आपका जवाब कुल मिला के ये है कि अगर इन्हें लगता है प्रफुल्ल पटेल दोषी है तो इन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, आपने तफ्तीश सही तरीके से नहीं की, एजेंसी का इस्तेमाल कर इस केस को क्लोज किया। सही जवाब आदित्य, जो लोकतंत्र के खतरे की बात आपने भी पूछी और अशन सिंह सर ने भी पूछी कि लोकतंत्र के लिए कहां पे, बीजेपी के कर्नाटक के एमपी हेगड़े, अनंत हेगड़े ने कहा कि हमको 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदल देंगे, और उसके ऊपर आज तक कुछ नहीं करा। दूसरे इनके एमपी साक्षी महाराज उन्नाव के सांसद, उन्होंने कहा, उनका बयान मौजूद है, उन्होंने कहा अगर पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब आते हैं तो इस देश के अंदर चुनाव नहीं होंगे। तमाम भाजपा के ऐसे सांसद और ऐसे लोगों के ये बयान मौजूद है और लगातार इनकी मंशा ये है कि संविधान पे प्रहार करा जाए, संविधान को हम बदलेंगे, और ये लगातार चर्चा करवाई जाती है। अरे भाई लोकतंत्र में ये जाकर जो बोल, सुनिए ना, क्योंकि हमें संविधान, अरे सुनिए मेरी बात ध्यान से, सैयद जवाद मेरी बात ध्यान से सुनिए, बीजेपी जनता के बीच जाके चुनाव लड़ेगी? ऐसा तो है नहीं बीजेपी कहीं और किसी और दुनिया में जाके चुनाव लड़ेगी, भारत की जनता के सामने जाके चुनाव लड़ेगी। आप भी भारत की जनता के सामने ही चुनाव लड़ेंगे और तो कहीं जाएंगे नहीं, तो ये बात आप जनता को नहीं समझा पाते हैं? ये जो आप बातें कह रहे हैं मुझसे, ये जनता को नहीं समझा पाते हैं? जनता समझ गई है, जनता जिन लीडरों के समर्थन में है उनको तो ये जेल भेज दे रहे हैं। अच्छा, गलत आरोप लगा करके। अच्छा, तो जनता को तो फैसला सुनाना आता है, फिर आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर रोष में जनता होगी तो इन पर चोट तो बड़ी होगी, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। बड़ी होने जा रही है, हो रही बड़ी चोट, आप देखिएगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जो दल बदलू इस वक्त चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है दल बदल का, उसमें विपक्ष में नेता कितने बचेंगे? सैयद जवाद, मैं ये भी सोच रही हूँ। नहीं नहीं सैयद जवाब, मैं ये भी सोच रही हूँ विपक्ष में नेता कितने बचेंगे, क्योंकि विजेंदर सिंह कल तक लिख रहे थे कि जब उन्हें लोग कह रहे थे आप मथुरा से चुनाव लड़िए बॉक्सर साहब ये वो, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वो बीजेपी में चले गए। क्या सवाल है आपका? मैं आपसे कह रही हूँ विपक्ष में नेता कितने बचेंगे? विजेंदर सिंह आपको पता ही होगा, पाला बदल लिया उन्होंने, कल तक मथुरा से चुनाव लड़ रहे थे, आज बीजेपी में बैठे हैं। जी जी, बीजेपी के सांसद भी बहुत से जो है चुनाव लड़ने से मना कर दे रहे हैं। अच्छा। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो है लोग जो है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से ऐसे बीजेपी के सांसद, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये तो चलता रहेगा। अच्छा, चलता रहेगा।
ठीक है, उनसे पूछिए उनको अचानक से क्या हुआ, इसमें कौन सी आपदा? भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग छोड़ छोड़ कर ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें टिकट नहीं मिला इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। विजेंदर सिंह टिकट से थोड़ी ना डिप्राइव थे, विजेंदर सिंह टिकट नहीं दे रहे थे, विजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दे रही थी क्या कांग्रेस पार्टी? अब जवाब नहीं मिलते बनते पड़ता है तो फिर आप अपना इधर उधर की बातें करने लगते हैं, मुद्दे की बात पे रा कीजिए ना। एसएन सिंह अदिति जी, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, निश्चित तौर पे जहां जहां इनकी मान्यता वाली सरकार होती है वहां कहा जाता है, वो हम उन राज्यों का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वहां कहा जाता है कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, यहाँ पे धर्म के नाते कानून चलेगा। मुझे लगता है संविधान बदलने का कार्य वो लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, संविधान बदलने की बात आप भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, एक दूसरे पर चार्ज लगा रहे हैं, और ये चार्ज और ये जो इस वक्त पॉलिटिकल क्लाइमेट है ये और चार्ज्ड अप होगा आने वाले दिनों में।